हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? और उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे आप लोग, और हम भी ठीक हैं, मस्त हैं। और गाइस, ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है, हमारे न्यू चैनल पे। और ये ब्लॉग हम आज एक दरगाह का बनाने वाले हैं, जो हमारी आगरा में सबसे बड़ी दरगाह है, उसका ब्लॉग बनाने वाले हैं आज। कुछ आज हम दिखाने वाले हैं आपको कि मतलब दरगाह में क्या कैसे और कैसे चराई उराई लगाते हैं। आज हम जाएंगे दरगाह। और गाइस, मेरा नाम है मुजाहिद अलवी अली। आगे हम दिखाएंगे आपको कि हम दरगाह जाते हैं तो दरगाह में मतलब क्या क्या चीज़ है, सब कुछ दिखाएंगे आपको। और आज फर्स्ट व्लॉग हम दरगाह का बना रहे हैं। और गाइस, बोलने में जो भी प्रॉब्लम हो या कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ उसके लिए पहले से सॉरी बोलते हैं हम लोग, ठीक है? आगे चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको रेडी होकर। अभी रेडी भी होना है, रेडी होकर हम आते हैं और फिर उसके बाद दिखाते हैं आगे का कि कैसे हम जाएं, और फिर वहां पे जाकर आपको आगे का ब्लॉग दिखाते हैं। तो गाइस, अभी हम रेडी हो चुके हैं और अभी हम निकल रहे हैं दरगाह के लिए। बस एक ऑटो आ जाए, ऑटो में जाएंगे, ना हम पे गाड़ी है ना कुछ है, बस हम ऑटो में जाएंगे। और गाइस, बस ऑटो का वेट कर रहे हैं, और बस ऑटो आते ही फिर हम लोग जाते हैं गाड़ी ऑटो में बैठ के और पहुंचते हैं दरगाह, फिर दिखाते हैं आपको रास्ते में जो भी है। ओके, तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं रामबाग, जो हमारे मतलब आगरा में एक मशहूर जगह है, चौराया है एक रामबाग। तो हम वहां पहुंच चुके हैं और बस यहां से निकल रहे हैं। यहां से ये देखिए पीछे की साइड में सब चौराया है, और बस यहां से निकल रहे हैं। और यहां से निकलने के बाद ऑटो में बैठेंगे, ऑटो में बैठ के फिर निकलते हैं यहाँ से दरगाह के लिए। और दरगाह के लिए फिर दरगाह के जाकर वहाँ बताते हैं हम कि कैसे क्या करना है सब कुछ। पहुँचते हैं गाइस दरगाह, तो फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी हम गाइस टेम्पो में बैठ चुके हैं, ऑटो में बैठ चुके हैं, एक अंकल जी मिले हैं उनके ऑटो में बैठ चुके हैं। और देखिए ऑटो में और कोई भी नहीं है, हम दोनों ही बैठे हैं। और काफ़ी ठंड है, बहुत ज़्यादा हो, वैसे घर पर तो बहुत कम लग रही थी, और यहाँ आके तो मतलब घर से निकल के तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और गाइस, मिलते हैं फिर आपसे। दरगाह से थोड़ी दूर है और ऐसे पुल के पुल लगा हुआ है, मतलब पुल है यहाँ पर रोड के ऊपर। तो बस ये पुल पार कर रहे हैं हम, ये पुल पार करते हैं फिर उसके बाद यहाँ से सीधे दरगाह के पास पहुँच जाएंगे। और ये देखिए पीछे की साइड, ये देखिए ये पीछे की साइड रोड है, जो पीछे की साइड रोड है, सब रोड है ये। और तो इधर शो के मतलब हम लोग पुल पार कर रहे हैं। और काफ़ी सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। और ये देखिए बैक कैमरे से पूरी तरीके से देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। ये देखिए गाइस, ये देखिए काफ़ी शानदार नज़ारा लग रहा है। तो गाइस, अभी तक हम पुल पार कर रहे हैं और बस उतरने वाले हैं, बस हम नीचे की तरफ आ गए हैं। और गाइस, बस दरगाह पहुंचने वाले हैं 2-4-5 मिनट में, थोड़ी अंदर की तरफ है दरगाह। तो चलो मिलते हैं गाइस आपसे, दरगाह के अंदर जाके मिलते हैं आपसे, और जो भी है वो सब दिखाएंगे आपको कि दरगाह में क्या क्या है। ओके गाइस, ये है अब्दुल आला का दरगाह, यहाँ से गेट स्टार्ट होता है, अभी हम इसके अंदर जाएंगे, तो आप जरूर देखना। अब हम अंदर जाते हैं, ये देखिए ये आगरा का सबसे मशहूर दरगाह है। यहाँ पर हमारे मुजाहिद भाई चिरागी जोड़ेंगे और आपका सब दिखाएंगे हम। ये देखिए,
से ये कब्रें हैं, यहाँ कब्रें बनी हुई हैं, यहाँ कब्रें बनी हुई हैं। ये देखिए सबके कब्रें हैं, ये सबसे बड़ी मज़ार है पीछे सामने, और ये सबसे बड़ी मज़ार है सबसे पीछे, जो आपको थोड़ी देर में अंदर ले आएंगे तो आप ज़रूर देखना। आइए अंदर चलते हैं, हम यहाँ से प्रवेश करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से देखो ये देखिए तुम बजू नहीं हो ना, देखिए आप यहाँ पर मतलब ऐसा यहाँ पर अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, और एक टाइम ऐसा होता है या जुमेरात या जुमा को बहुत भीड़ रहती है, तो आपको कुछ दिखा नहीं पाते, तो इसलिए हम सोमवार को आएँ जो मतलब खाली रहती है बिल्कुल, जो कोई भीड़ भाड़ नहीं रहती है, जो आप आराम से देख सकें ये ब्लॉग हम बना रहे हैं। ये इधर के साइड देखिए ये वजू खाना है, इधर वजू बनाते हैं, वजू खाना है ये, वजू खाना आप देख, हमारे मुजाहिद भाई वजू बनाएंगे, यहाँ पे वजू खाना है, और यहाँ पे हम लोग वजू बनाते हैं, मतलब कभी भी आते हैं दरगाह पे तो यहाँ पे हम लोग वजू बनाते हैं, और अभी मैं वजू बनाऊंगा और अरबाज भाई दिखाएंगे, अब मैं दिखाऊंगा मतलब कैसे कैसे वजू, वजू तो आप लोग तो जानते होंगे कैसे वजू बनाते हैं। तो गाइस मैंने वजू बना ली है, और बस वजू बनाने के बाद अब यहाँ पे अगरबत्ती लगानी है, तो यहाँ पे मैं अगरबत्ती लगाता हूँ जलाकर, ठीक है, तो वो हम आपको दिखाते हैं कि मतलब यहाँ पे अगरबत्ती लगाते हैं, अगरबत्ती के बाद हम जाएंगे अंदर, फिर अंदर जाके आपको दिखाएंगे कि मज़ार कैसी बनी हुई है बाबा की, और काफ़ी मशहूर मज़ार है हमारे आगरा में। ये और यहाँ पे माचिस नहीं है, इन्हीं में सुलगा ले, देख ले सुल गया था। ये देखिए आप माचिस लाना भूल गए हम लोग, और माचिस दे रहे हो, जल्दी चल कर मोमबत्ती जल्दी चलो, मोमबत्ती मिल गई है यहाँ पर, ये जल्दी अल्लाह के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है मेरे भाई। ये देखिए माचिस बहुत देर से ढूंढ रहे थे, लेकिन देखो मोमबत्ती, माचिस तो नहीं मिली पर मोमबत्ती मिल गई है, तो उससे हमने जला लिया है ये, और ये देखिए ऐसे जलाकर इसे बस थोड़ी सी जल जाएगी तो उसके बाद बुझा देंगे, और ये हम लगा लेते हैं यहाँ पे बिस्मिल्लाह करके। अब देखते हैं आप, अब ये लेके जा रहे हैं, अब अंदर चलते हैं दरगाह के अंदर, दरगाह के अंदर यहाँ से प्रवेश करते हैं हम, देखिए बैक कैमरे लगा लो, बाय बाय। ये देखिए आगरा मतलब दरगाह के अंदर घुस चुके हैं, और यहाँ पर मुजाहिद भाई यहाँ पर चिराग जोड़ने, और ये देखिए सबसे गाइस यहाँ पर देखिए फूल मतलब लगाते हैं, इधर दिखा रहा हूँ यहाँ पर फूल डालते हैं, और यहाँ पर मतलब फूल डालते हैं, तो मैं फूल डाल देता हूँ, और ये बाबा की दरगाह है बहुत मशहूर है आगरा में, आप एक बार प्लीज़ आइए और अब्बू लाला दरगाह घूमिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, दिल को शांति मिलती है इधर, आप ज़रूर आइए। और ये देखिए हम बाहर चलते हैं, अब ये देखिए ये हमारे मुजाहिद भाई दुआ मांग रहे हैं कि ये आला ब्लॉग जो बना रहे हैं हम सक्सेस हो जाए हमारा ये ब्लॉग इंशाल्लाह। और ये देखिए आने वाले इधर वाला कैमरा।
छोटी मजारें बनी हुई है, ये छोटी छोटी मजारें बनी हुई है, काफ़ी बनी हुई है, बहुत सारी हैं ऐसी, तो बहुत सारी मजारें हैं। और ये मेन बाजार है सामने, ये मेन बाजार है बाबा की। और ये देखिए कव्वाली गा रहे हैं, ये कव्वाली गा रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग आपको मस्जिद दिखाते हैं, मस्जिद भी बहुत बड़ी है यहाँ पे, मतलब बाबा की मतलब दरबार में। और उन लोगों ने मस्जिद भी बनवा रखी है, काफ़ी बड़ी मस्जिद है, बहुत बड़ी लॉक है, शायद लॉक है। पल्ली साइड से है क्या? हाँ पल्ली साइड से, एंड उधर से भी नहीं है, उधर बंद है, उधर से भी। हाँ तो मस्जिद इस टाइम बंद है। वैसे मस्जिद ये है, देखिए सामने काफ़ी बड़ी मस्जिद है, हॉल है जो पूरा हॉल है, और मतलब काफ़ी बड़ी मस्जिद है। और काफ़ी बार हमने नमाज भी पढ़ी है, सवे बारात पे आए हैं हम, कभी भी मतलब आए हैं तो खुली मिलती है, इस टाइम थोड़ी बंद है। और ये देखिए काफ़ी मज़ा, मतलब दरगाहें बनी हुई हैं, काफ़ी कब्रें बनी हुई हैं जो इनके चाहने वाले हैं उनकी। और काफ़ी देखो पीछे ग्राउंड भी है काफ़ी बड़ा दरगाह का, ये पीछे एक और मजार है। अरवाज भाई बता रहे हैं कि पीछे एक और मजार है, तो वो भी दिखाते हैं आपको, दरगाह में आए तो सब कुछ दिखाएंगे। और ताकि आप लोग जो लोग हैं ना देख नहीं पाते हैं, वो कम से कम हमारे ब्लॉग से देख सकें। तो गाइस पहुंचते हैं, चलते हैं वहां पर और दिखाते हैं आपको, एक दरगाह और है पीछे। और यहाँ पर भी देखिए कई बार मतलब पहले आए हैं हम, ये यहाँ पर देखिए कई मज़ारे वैसी बनी हुई हैं, दरगाह बनी हुई है, ये देखिए काफ़ी कब्रें बनी हुई हैं, काफ़ी कब्रें हैं ऐसी, और काफ़ी ओलियों की भी बनी हुई हैं। और ये देखिए पीछे की साइड है, और ये देखिए उसको कहते हैं यूना, नहीं। तो भाई ये देखिए पीछे दरगाह बनी हुई है, ये रही दरगाह। हाँ ये अरबाज भाई खड़े हैं यहाँ पे, ये पीछे दरगाह है उनकी, और काफ़ी मतलब इनको भी काफ़ी मानते हैं लोग। और ये पीछे की साइड है, मतलब जो मेन दरगाह है उससे पीछे की साइड है ये। यहाँ पर ये है कि आप जो मांगते हो दिल से, मतलब दिल से जो मांगते हो तो यहाँ पर वो कबूल होता है, पूरी होती है आपकी दुआ। और ये पैसे भी जो हमारी बाबा की दरगाह है, इनको अबू लाला बोलते हैं, और एक और भी नाम बोलते हैं इनको। तो मतलब इनके पास जो भी लोग आते हैं और दुआएँ मांगते हैं, वो जहाँ तक पूरी होती है उनकी, कबूल होती है, पूरी होती है दुआएँ उनकी। तो गाइस अभी हम यहाँ से मतलब अब दरगाह हो गया सब कुछ, जो भी करना था हमने चिरागी भी लगा दी, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, मतलब दरगाह से निकल रहे हैं। और एक बाहर काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है, मतलब हमारे आगरे का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है दरगाह के पास, और वो कब्रिस्तान दिखाएंगे, बस वो रह गया है। तो अभी हम आपको वो दिखाएंगे आगे चल के, बाहर चल के, ठीक है गाइस? तो मिलते हैं आपसे कब्रिस्तान के पास। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं कब्रिस्तान, जो यहाँ का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, और ये हम आपको दिखाएंगे। ये पीछे की साइड जो कब्रिस्तान है ना, ये कब्रिस्तान काफ़ी पुराना और काफ़ी बड़ा है, काफ़ी पुराना है ये कब्रिस्तान। यहाँ पे आगरे से काफ़ी लोग आते हैं, मतलब काफ़ी लोगों की लाया जाता है, और यहाँ पर मिट्टी लगाई जाती है, मतलब ऐसा है। और ऐसा है, अरबाज भाई भी हमारे दो शब्द कहना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हो अरबाज भाई? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई एक दिन सभी को इसी में आना है, ये सच्ची बात है भाई, एक दिन सबको यहाँ आना है इधर, और अपना असली घर यही है, और कोई घर नहीं है अपना। और ये देखिए काफ़ी पुरानी मजारे भी है जी, मतलब ये काफ़ी पुरानी कवर है, एक तरह से कवर है ये। और ये देखिए काफ़ी, देखिए ये पीछे भी देखिए, इसको दिखाओ जी, देखिए जी काफ़ी मतलब पुरानी कब्रें हैं, और ये तो बहुत ही पुरानी कब्रें हैं, ये सब बहुत पुरानी कब्रें हैं। आगरे का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है भाई, तो आपको आगे भी दिखाते हैं, और एक आध कब्र और दिखाते हैं आके, बस आगे दिखाओ। ये देखिए गाइस ये है, मतलब यहाँ पे ये सब कब्रें काफ़ी पुरानी हैं, और नई भी हैं कुछ काफ़ी, जो यहीं पे पत्थर मिल जाते हैं सबको, तो यहीं पे नई कब्रें भी बनती हैं, काफ़ी नई कब्रें भी हैं। तो गाइस अब निकलते हैं हम घर के लिए, अब आपको दिखा भी दिया, कब्रिस्तान भी दिखा दिया, और सब कुछ दिखा दिया, अब निकलते हैं हम घर के लिए।
तो घर जाके और फिर देखते हैं आगे जो भी है। और गाइस जो भी गलतियां हमसे हुई हैं व्लॉग में, उन गलतियों को माफ़ करना और उसके लिए सॉरी। और अब घर चलते हैं। तो गाइस अभी हम घर आ चुके हैं और बस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। और गाइस ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। और गाइस प्लीज़ जी देखिए इसके हाथ देख लीजिए, बेचारा बहुत गरीब है, इसको सपोर्ट करो। और गाइस प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर ब्लॉग अच्छा लगे आप लोगों को। और गाइस जो भी हमसे बोलने में गलती हुई है या आपको कोई चीज़ समझाने में गलती हुई है, तो प्लीज़ उस गलती को माफ़ करें और उसके लिए हम पहले से सॉरी बोलते हैं। और गाइस हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी फॉलो करें, अरवाज भाई की भी फॉलो करें इंस्टाग्राम आईडी, और मेरी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप लोग वहाँ जाके फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पे। और गाइस प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें चैनल, और बताएं कमेंट में कि हमारा ब्लॉग कैसा लगा आपको और दरगाह जो दिखाई हमने वो कैसी लगी आपको। प्लीज़ गाइस और अगले ब्लॉग में आते हैं, मिलते हैं आपसे। और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं।